मध्य प्रदेश में कोरोना का एपिक सेंटर बनने के बाद इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीजों के आंकड़े ने शिवराज सिंह के माथे में चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 544 के पार हो गया है। इसमें से 37 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में इंदौर के 117 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे मिलाकर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 544 हो गई है। मंगलवार रात तक MGM मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के आधार पर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 427 थी, जो दिल्ली से रिपोर्ट आने के बाद 544 पर पहुंच गई है। यहां से 1142 नमूने जांच के लिए दिल्ली की नोएडा लैब में 2 दिन पहले भेजे गए थे, जहां से 117 पॉजिटिव पाए गए हैं। इन आंकड़ों के बाद इंदौर सर्वाधिक संख्या में दिल्ली व मुंबई के बाद देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। इंदौर में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 37 है। आज रात को जो न्यू दिल्ली से 465 लोगों के रिजल्ट आए हैं, उसमें इंदौर के 200 टेस्ट लगाए गए थे, जिनमें से 117 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको जोड़कर अभी तक इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 544 हो गई है। कल तक जो 2 मृत हुए थे उनको जोड़ने के बाद मृतकों की संख्या 39 हो गई है और 37 हो गई है, माफ़ कीजिएगा, और 39 लोगों को अभी तक हम स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, और यदि इनकी सेकेंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है तो हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। कल हमारी जो सर्वेक्षण टीम जो कि कंटेनमेंट एरियाज में घूम रही है, इनके द्वारा 45,000 तक का अभी तक टोटल सर्वे कर लिया जा चुका है, और 300 लोग इसमें से ऐसे मिले थे जिन्हें सर्दी खांसी की शिकायत हमारी टीम ने पाई थी, परंतु मेडिकल मोबाइल यूनिट के डॉक्टर्स के द्वारा जब इनको देखा गया तो इनमें कोई भी कोरोना जैसे संक्रमण नहीं पाए गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।